ओके गाइस, दिस इज हितेश पाटी एंड दिस वीडियो इज एडिटोरियल वीडियो ऑफ सी ओमकार एंड वॉट इज लाइट कोड फोर्सेस ग्लोबल राउंड 10। ओके, बिफोर दिस इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल आई पोस्ट कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एडिटोरियल। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग आर सिंपल क्वेश्चन इज हैविंग वी आर हैविंग एन सपोर्ट अरेंज्ड इन अ लाइन। ओके, तो एन सपोर्ट सी यू कैन से एन डंडे, ठीक है, एन लॉक्स अरेंज्ड इन अ लाइन द आयत ऑफ विच हैज हाइट ए आई। ठीक है, तो आयत डंडे की और आयत स्टिक की हाइट ए आई है। ठीक है, नाउ ओमकार वॉन्ट्स टू बिल्ड हिज वॉटर स्लाइड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ओमकार को लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ अपनी वॉटर स्लाइड बिल्ड करनी है। सो हिज सपोर्ट्स मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग इन हाइट्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट द व्हीकल एंड ही हैज़ टू मेक दैट वॉटर स्लाइड नॉन डिक्रीजिंग। तो नॉन डिक्रीजिंग मीन्स इक्वल और इंक्रीजिंग होनी चाहिए। ठीक है, ओमकार कैन डू फॉलोइंग। एक ऑपरेशन में वो क्या कर सकता है, एनी कंटिजुअस सब सेगमेंट ऑफ सपोर्ट सिलेक्ट कर सकता है विच इज नॉन डिक्रीजिंग बाई हाइट। ठीक है, कोई नॉन डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस वो सब सेगमेंट सॉरी कंटिजुअस सब सेगमेंट सिलेक्ट कर सकता है और वन ऐड कर सकता है उन सारी की हाइट्स में। नाउ ओके, एंड ही हैज़ टू टेल मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन ओमकार नीड्स टू परफॉर्म टू मेक हिज सपोर्ट एबल टू सपोर्ट हिज वॉटर स्लाइड। ओके, सो लेट्स से एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स से हमारे पास क्या है, स्टिक्स बनाता हूँ मैं सीधे। ठीक है, ये आई होप अच्छे से। ठीक है, लेट्स से हमारे पास ये आई होप सबको अच्छे से दिख रही होंगी। ठीक है, हाइट्स स्टिक की। ठीक, ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक कुछ ऐसी हैं। ठीक है, ये AI की कोई वैल्यूज हैं। ठीक है, ये उनकी हाइट्स हैं। नाउ हमें राइट से लेफ्ट में जाना है और इसे नॉन डिक्रीजिंग बनाना है। नाउ व्हाट विल डू, वी विल ऑब्वियसली जब ये इससे बड़ा है, ठीक है, ये इससे बड़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा अप टू दिस लेवल। ठीक है, लेट्स से इसकी हाइट माइनस इसकी हाइट एक्स है तो हमें एक्स अपने आंसर में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ओके, वी हैव टू इंक्रीमेंट एक्स इन आर आंसर। नाउ अब हम हर स्टेप में एक तो पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, हमें जहाँ भी ए आई माइनस वन ए आई से बड़ा मिले वहीं पर हम आंसर में डिफरेंस ऐड करते जाएंगे। ठीक है, नाउ वन क्वेश्चन यू कैन आस्क इज वाई वी हैवेंट सिलेक्ट सम सब सब सीक्वेंस कंटिजुअस सब सीक्वेंट लाइक वॉट इफ वी सिलेक्टेड होल दिस सब सीक्वेंट। ठीक है, ओके, सो देखो होगा क्या कि हम ये जो सब सीक्वेंट है, ठीक है, हम इसको सब एरे बोलते हैं। ठीक है, सब एरे को अगर हम वन से सारे एलिमेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किस चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इसके और इसके डिफरेंस पे या फिर इसके और इसके या फिर इसके और इसके, तो इसके और इसके डिफरेंस तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, एंड सिंस हमें जो सब सीक्वेंस सिलेक्ट करना है वो नॉन डिक्रीजिंग सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। नाउ किस में चेंज आएगा, एक तो इस चीज़ में आएगा। ठीक है, हम जैसे इसको इंक्रीज करेंगे तो इनका डिफरेंस कम होगा। ठीक है, जो हमारा एम है एक ऑपरेशन में करने का। दूसरा केस में चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा। ठीक है, इसमें अब हो क्या सकता है, मान लो हम ये वाला चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये चीज़ है इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो ये ऐसा हो, ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो ये ऐसा हो। ठीक है, अगर ये ऐसा होता है तो हम इसको भी इंक्लूड कर लेंगे इसमें। ठीक है, एंड अगर नहीं भी इंक्लूड करते तो स्टिल हमारी जो एरे रहेगी वो नॉन डिक्रीजिंग रहेगी, है ना। अगर ये ऐसा होता है, ठीक है, अगर ये ऐसा होता है, इन दिस केस हम क्या कर रहे हैं, हम इस वाले की हाइट बढ़ा रहे हैं ना, इस सबको इंक्लूड करके इस वाले की हाइट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी हाइट बढ़ा देते हैं तो हमारा इसका और इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस बढ़ा तो आंसर ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, एंड वी हैव टू कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज्ड, मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड आंसर इसका क्या हो जाएगा, दैट वी विल चेक फॉर ईच पेयर, ठीक है। इफ ए आई माइनस वन इज ग्रेटर देन ए आई, देन वी विल एड इन आंसर द डिफरेंस बिटवीन टू, ठीक है। तो हम दोनों के बीच का डिफरेंस आंसर में ऐड कर देंगे। तो सिंपल कोड फॉर दिस क्वेश्चन इज, इनपुट लिया ए आई, इनपुट ले लिया, ठीक है, वेक्टर ए इनपुट ले लिया, देन आंसर विल बी मैक्सिमम ऑफ ए आई माइनस ए आई एंड जीरो। व्हाई? जहाँ पर भी ए आई माइनस ए आई पॉजिटिव होगा वहाँ पर तो ये आ जाएगा, एल्स जीरो चला जाएगा, क्योंकि उस केस में हमें कुछ भी ऐड करना नहीं है बिकॉज हमारी एरे ऑलरेडी नॉन डिक्रीजिंग है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम पोस्टिंग ए ट्यूटोरियल ऑफ सम मोर क्वेश्चन, सो कीप सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।